कोरोना काल के दौरान उत्तर रेलवे की ओर से रेल इंजन के नए युग में कदम रखते हुए बैटरी संचालित इंजन बनाया गया है। फिरोजपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशन लुधियाना के इंजन शेड में बैटरी इंजन का निर्माण किया गया है, जो उत्तर रेलवे का पहला व देश का चौथा ऐसा इंजन है जिससे पैसों के साथ साथ पर्यावरण भी बचेगा। इस बारे में सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहन स्वरूप ने बताया कि यह उत्तर रेलवे का पहला बैटरी संचालित इंजन है, जबकि भारत में ऐसे करीब 4 इंजन हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बंद के दौरान रेलवे की ओर से यह आविष्कार किया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। इसमें एक पुराने इंजन में बैटरी लगाकर उसे एक बार फिर से शंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस इंजन की स्पीड अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो रेलवे शेड में ही काम करेगा। रेलवे बोर्ड को इंजन से अवगत करवा दिया गया है, वह भविष्य में इसमें और भी सुधार होगा। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा सोनी की रिपोर्ट। यार जिंदर पीछे हो जाए यार।
जानते हो रहा है। जी सर, सर सबसे पहले अपना नाम। सर आपका नाम? जी मोहन स्वरूप, सीनियर डी इलेक्ट्रिक लोकोसाइड लुधियाना। सर एक आपने इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है, तो सर उसकी क्या खासियत है और क्या क्या उसमें फीचर्स डाले गए हैं ताकि जो डीजल इंजन या इलेक्ट्रो जो पहले बिजली वाले इंजन चलते थे अभी इसमें क्या अंतर, क्या डिफरेंस है? इसमें ये पहले बताना होगा कि जो लोकोमोटिव हमने कन्वर्ट किया है ये ऑलरेडी CLW में बिल्डअप हुआ था 1974 में। उसके बाद ये लोको 2009 तक लाइन पे चला, उसके बाद इसको संटिंग में यूज किया और 2015 में इसको कुछ खराबी होने के कारण और ओवर यूज होने के कारण ये संटिंग में भी यूज नहीं हो पा रहा था। रीजन की उसमें OHE की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि हमें नॉन OHE में अगर वर्किंग करना है तो वहाँ डीजल लोको की रिक्वायरमेंट थी, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको साइड में डीजल लोकोमोटिव से संटिंग यूज करते थे ज़्यादातर। बट अभी जो इसमें मॉडिफिकेशन किया है कि ये ड्यूअल मोड में काम करेगा, बैटरी पे भी काम करेगा और OHE पे भी काम करेगा। इसमें जहाँ OHE वाला रीजन है वहाँ पे हम OHE पे काम कराएंगे और उसके बाद उसके साथ साथ भी बैटरी इसकी चार्ज होती रहेगी। इसमें जो चार्जर हैं वो इन्वर्ट किए हुए हैं हमने, चार्जर इन्वर्ट हैं इसलिए बैटरी चार्ज होती रहेगी और बैटरी की जो कैपेसिटी है अभी 800 AH है, जिसकी कम कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे 30 से 45 मिनट की हम संटिंग यूज कर सकते हैं इसे इनसाइड साइड में। बाकी आगे का जो प्लान है कि यार्ड में हमें ऑल लोकोमोटिव जैसे कन्वर्ट करके आगे प्लान कर सकते हैं कि जहाँ पे डीजल लोकोमोटिव यूज हो रहे हैं उनको कम करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट काफ़ी यूटिलाइज रहेंगे। सर देश में कितने ऐसे अभी इंजन तैयार हुए हैं? अभी आई थिंक ये चौथा लोकोमोटिव है और नॉर्दर्न रेलवे का ये पहला है लोकोमोटिव है इस तरह का। बाकी अदर रेलवे में और बिल्डअप हुए हैं, उनका भी ट्रायल चल ही रहा है उस इस तरह। देखा जाए तो जैसे डीजल इंजन में कितना लागत है, कितना फर्क पड़ेगा आपको इसमें लागत कितना? जो डीजल के को अब अगर हमें इससे रिमूव करेंगे तो उसमें लगभग 4 से 4.5 लाख रुपये पर मंथ की सेविंग हमारी डीजल की होगी। तो अभी सर क्या लगता है आपको ऐसे इंजन मार्केट उतारे जाएंगे पटरी पर? डेफिनेटली रेलवे बोर्ड ने कुछ हमसे फीडबैक भी लिया था इस तरह के लोगों के बारे में, तो उनका प्लान होगा कि कहीं जहाँ पे हमें संटिंग ज़्यादा यूज होती है और वहाँ पे हमें डीजल लोकोमोटिव को हम रिमूव कर सकें। लोकल ट्रेन एज ए सच पैसेंजर में इसका यूज नहीं होगा, बट संटिंग में ये इसको यूज कर सकते हैं स्टेशन एरिया में। लेकिन क्या भविष्य में इसकी संभावना है कि इसमें बैटरी सुधार करके या और इसमें बढ़ाकर आप पैसेंजर ट्रेन के लिए भी इस्तेमाल करें जैसे? अच्छा पॉसिबिलिटी है बट इसमें काफ़ी बल्कि हो जाएगी क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ानी होगी उस पावर के लिए, तो अभी इस लोकोमोटिव में ये संभव नहीं है बट पॉसिबिलिटी है उस तरह की। सर आमतौर पर कितनी इसकी कैपेसिटी है कि देखा जाए तो नॉर्मली कितनी बैटरी का इस्तेमाल, कितनी कैपेसिटी है खींचने की? अभी जो खींचने की है इसमें जैसे MPT रैक है, MPT रैक को 20 कोच का जो रैक है उसको खींच सकता है। नॉर्मली जैसे शंटिंग पर्पज के लिए अभी हमें जो ट्रायल जो हमने साइड में ये किया है तो अभी 3 लोगों को हम एक साथ जोड़ के खींच सकते हैं इससे। ठीक है, तो अभी फ्यूचर में अभी क्या योजना है अभी और इसकी? अभी तो हमने एक लोकोमोटिव कन्वर्ट किया है, बाकी रेलवे बोर्ड इस पर विचार करेगा तो देन प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर।